क्या आप सही देव देवता की पूजा कर रहे हैं? हमारी जिंदगी में अगर देवी देवता हैं तो राक्षस भी हैं, क्योंकि दुख है तो सुख भी है, रात है तो दिन भी है। इसी तरह से हम सही देवी देवताओं की पूजा करेंगे तभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे आसपास की सभी परेशानियाँ और सभी दुख यही राक्षस ही तो हैं। तो अगर हम कुछ भी चाहिए हमें तो सही जगह ही हम दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, यानी सही देवी देवता की ही आराधना हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमें क्या करते हैं कि बनाना होता है हमें पासपोर्ट और जाते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस। इसी तरह से हमें जिसे जो अथॉरिटी दी गई है उसके लिए हमें वहीं जाना चाहिए। अगर आप सही जगह पर अप्रोच करोगे तभी आपको मनचाहा मिल पाएगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको पावर और करेज चाहिए तो आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेव हो तो आपको कुबेर जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में सफलता चाहते हैं और बुद्धि चाहते हैं तो गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप कोर्ट कचहरी में या कहीं विजय चाहिए तो दुर्गा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। अगर आप वैवाहिक जीवन में या संतान सुख में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, जिसमें आप कृष्ण जी और राम जी की आराधना पूजा कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी चाहिए आपको उसी स्पेसिफिक देवी देवता की पूजा करनी चाहिए जिसके पास वो वाला हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वैसे तो अगर हमारा सही से हमें इष्ट देव पता चल जाए तो हमें कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और वह हमें हमारे जन्म कुंडली के माध्यम से ही हम उसे पता कर सकते हैं। उससे तो ऐसा हो जाता है जैसे कि हमारी डायरेक्ट पहचान अप्रोच प्रधानमंत्री जी से हो गई है, अब हमें किसी के पास भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा होने से हम हाई कमांड से ही डायरेक्ट सिफारिश अपनी कर सकते हैं और वही हमारी सभी तरह की सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि जड़ को ही पानी देने से पूरा पेड़ फल और फूल देता है, और वह जड़ है हमारे इष्ट देव जिसे हम किसी ज्योतिष के द्वारा ही जान सकते हैं। अगर आप भी अपने इष्ट देव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए और आपके इष्ट देव कौन हैं। तो आज हमने जाना कि हमें किन देवी देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए, और अगर हम अपना इष्ट देव जान लेंगे तो हम डायरेक्ट सुप्रीम पावर के पास जा सकते हैं। अगर आप भी इष्ट देव जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई वीडियो का इंतजार कीजिए।